इन्वेस्टिगेशन के वन पॉइंट फोकस और खबरियों के तगड़े नेटवर्क के जरिए हिस्ट्री शीटर बब्बन कुरैशी और लखन पांडे दोनों को 24 घंटों के अंदर उनके बिलों से ढूंढ निकाला गया। बब्बन, हम तुझे ठोककर उसी जंगल में फेंक देंगे। बोल, नईम खान ने मानसी की सुपारी दी थी या नहीं? बोल। सुपारी? सुपारी नहीं दी थी साहब। पैसे लेते उस लड़की मानसी को ढूंढ के लाने के लिए, और हमने ढूंढा भी खूब उसे, लेकिन जब उसकी लाश की खबर मिली तो मैंने नईम खान को उसके आधे पैसे भी दे दिए थे वापस। ले लीजिए, जितना ढूंढने में खर्च हुआ है उतना ही काटा है नईम भाई। लड़की को मारा किसने कुरैशी? इस सवाल का जवाब आपके घर में है, वो बाहर ना ढूंढिए साहब। खुदा लखन, अगर तुम हमें फैज की खबर या उसकी लाश के बारे में नहीं बताएगा तो तू यहीं सड़ेगा। और याद रखना, यहां से निकलने के लिए तू एक एक मिनट तड़पेगा। साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। वो फैज की खुदकुशी के बारे में सुनते ही रामजी भाई ने मुझे फोन किया था साहब। अरे कैसे पैसे रामजी भाई, उस फैज के बच्चे के चक्कर में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन उसने तो खुदकुशी कर ली मेरी बेटी को मारने के बाद। देखो रामजी भाई, आपकी बेटी का मुझे खेद है, पर पैसे तो मैं लौटाने से रहा रखता हूं। हिस्ट्री शीटर्स ने नईम और रामजी के बयानों का पुष्टिकरण किया था, पर पुलिस फिर भी उनके साथ कोई चांस नहीं ले रही थी और ना ही साहिल को क्लीन चिट दी जा रही थी। दिल्ली कौन गया था लेटर्स पोस्ट करने? मैम, मैंने कोई लेटर नहीं भेजे। मानसी मारी जा चुकी, भाई भी जा चुके, मुझे भी मार डाल, नहीं जीना है मुझे। दो परिवार अपने बच्चों को खोने से तहस नहस हो चुके थे, लेकिन दूध का धुला कोई भी नहीं था। इन दो घरों की दीवारों में अविश्वास, रंजिश और नाराजगी में लिपटी कुछ सच्चाइयां अब भी रोशनी में नहीं आई थी। पर अगली सुबह इस केस से जुड़े सभी लोगों को एक ऐसा झटका दे गई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तीसरी बार भाग कर हम भोपाल गए थे सर। वहाँ एक कार सर्विस सेंटर में मेरी जॉब लग गई और अब हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली। खबरें पढ़ने का टाइम ही नहीं था और इच्छा भी नहीं थी। फैज खान उम्र 25, हिम्मत नगर गुजरात से फरार है। इस पर 4 महीने की प्रेग्नेंट लड़की मानसी पटेल के कत्ल का आरोप है जिसे वो भगा के ले गया था। डर के मारे हम 3 दिन घर में ही बैठे रहे कैदियों की तरह, और फिर वो सेकंड झटका आया जब वो लेटर्स वाली खबर आई। सुन मानसी, मेरे नाम से लिखे गए ये सुसाइड लेटर्स फर्जी हैं, पर हम फर्जी नहीं और ना ही हमारी शादी फर्जी है। पता नहीं कौन है जो तुम्हारा मर्डर, ये लेटर और मेरे सुसाइड की झूठी अफवाह फैला रहा है। और क्यों, मुझे लगता है हमें, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। 1 घंटे में अहमदाबाद एक्सप्रेस निकले, अनरिजर्व तो अनरिजर्व सही, चलते और यह सारा ड्रामा खत्म करते। ये कल रात की बात थी सर, और आज हम दोनों आपके सामने बैठे बिल्कुल जिंदा और उतने ही प्यार में जितना 1 साल पहले थे, और अब हम शादी भी कर चुके। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को शक करने की आदत है, फिर चाहे तो टेस्ट करवा सकते। आप लोग सब बाहर वेट कीजिए। हमने डीएनए टेस्ट करवाया नहीं, रामजी पटेल ने बोला कि मानसी की बॉडी है, हमने भी मान लिया कि मानसी ही है। रामजी, ये मानसी ही है। बड़ी भूल हुई सर, डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था। लाश के अंश बचा कर रखे हैं, केस क्लोज होने तक वो लैब में रहेंगे। शुक्र है, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने में कुछ तो आसानी होगी। सर, इस रामजी पटेल ने और सविता पटेल ने बॉडी की शिनाख्त की थी, हो सकता है जानबूझ के किए।
राम जी, सविता और मानसी, आप लोगों सर ने अंदर बुलाया। आप लोग मेरे साथ आइए। मानसी, क्या लगता है तुम, वो चिट्ठियां लिखकर फैज को कौन फंसाना चाहता हो? बाकी लोगों का मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं एक आदमी को जानती हूँ जो फैज को फंसाना चाहता था। पापा मेरा फोन दो प्लीज। खा कसम, ये आज के बाद तो उस कमीने लड़के से नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ मैं उसे नहीं मिलूंगी। अभी आप मेरा फोन दो प्लीज। मानसी, मुझे पता है कि तू अपनी कसम पर टिकी नहीं रहेगी, परवा नहीं, मैंने भी कसम खाई है, लेकिन मैं अपनी कसम पर बराबर टिका रहा हूँ। पूछ क्या? क्या? यही कि अगर तू फिर उस फैज के साथ भागी तो मैं उसकी जिंदगी में ऐसा झमेला करूंगा कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन किसी लायक नहीं रहेगा, और तू खुद ब खुद घर आ जाएगी। इसलिए उसके साय से भी दूर रहना, समझी? रामजी पटेल, तुम्हारा एक दोस्त है अरविंद पारेख। हाँ है। तो जिस दिन उस औरत की लाश जंगलों में मिली, तुम्हारा ये दोस्त अरविंद पारेख उसी जंगल में देखा गया। सर, ये जंगल के बाहर का सीसीटीवी जहाँ से उस रात को ये गाड़ी गुजरी थी। कौन थी वो औरत जिसे तुमने और तुम्हारे दोस्त अरविंद पारेख ने मारकर जंगलों में फेंक दिया ताकि फैज को फंसा सको? अरविंद, मुझे निकलना होगा। आप इसे ठिकाने लगा दो, मैं चलता हूं। ये क्या बोले जा रहे हैं? मेरी बेटी ने कुछ बोल दिया तो आप कहानियां बनाए जा रहे हैं? चिट्ठी अरविंद भेजता है दिल्ली से, या उसका वहां आना जाना लगा रहता है? बस तुम और मानसी जब से हिम्मतनगर से निकले, कहाँ कहाँ रुके, किस किस से मिले, कौन कौन से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, किसके जरिए बनवाए, भोपाल में घर कैसे मिला, जॉब कैसे मिला, सब कुछ एक एक करके लिखवाया। लेकिन सर, मेरी डिटेल्स से उस लवारिस लाश का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक है, इसलिए तो इतने सवाल कर रहे हो तुम? बस बेटा, जो साहब बोल रहे हैं वो लिखते लिखते ना। साहब, अब हमें जाने दीजिए। अब ये तो कोर्ट तय करेगा, ये आप लोग कहाँ जाओगे, घर जाओगे या जेल जाओगे? साहब, कुरैशी भी बोल चुका है कि सुपारी नहीं थी। बोलने का क्या है नईम खान, बोलने को तो फैज ने भी कहा था ना तुमसे कि वो अहमदाबाद की किसी शादी में गवाह बना था। साहिल ने हमसे बोला था कि मानसी उसकी सिर्फ क्लासमेट है। मैं भी तो बोल सकता हूँ कि कुरैशी ने उस औरत को मानसी समझ के मार डाला। तुम तीनों ने मिलकर ये साजिश रची हो। अरे बेटा, जैन साहब तो यूं ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। वही तो नईम खान, बोलने से बात सच नहीं होती है, सच होती है सबूतों से और गवाहों से। सबूत हम कुरेद कुरेद के निकाल लेंगे और गवाह जहन्नुम से ढूंढ निकालेंगे। समझ में आए? इस अरविंद पारेख को तो हम ढूंढ ही लेंगे, इसे ढूंढेंगे, इसे तोड़ेंगे और ये बोलेगा। याद रखना, अगर हमें पता चला कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है तो बच नहीं पाओगे। मैंने बस एक बेवकूफी की है जो उस लखन पांडे को पैसे दिए थे फैज को ढूंढने के लिए। इसके अलावा और क्या किया मैंने? मेरी बेटी तीसरी बार घर से भागी थी, उसकी शिकायत लेकर मैं इसी पुलिस स्टेशन में आया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और फिर उस लाश को मानसी की लाश बताया। किसने? आपने। मैंने बस मान लिया कि वो मानसी। सर, जरा सोचिए, अगर अरविंद ने और मैंने उस औरत को मिलकर मारा फैज को फंसाने के लिए, तो क्या हमारे इस चाल में प्रांतीय के पुलिस वाले भी शामिल थे जिन्होंने उस लाश को मानसी की लाश बताया? क्या आप लोग भी शामिल थे जिन्होंने उसको मानसी बताया, ताकि मैं यहां आकर मुंडी हिला हिलाकर कहूं कि हाँ ये मानसी है, हाँ ये मानसी है? तो मैं शू बात करूं चुसा। बोलिए सर। फैज, मानसी, इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि आप दोनों में से किसी के फादर ने उस औरत को मारा या मरवाया और उसके बाद उसकी लाश को जंगल में फेंकवा दी। तो फिर किसी और ने किया होगा सर। ये किसी और? तुम दोनों तो नहीं, या फिर कहीं वो आप लोग तो नहीं? सीरियसली नहीं, बर्थडे पार्टी में वो गेम होता था ना, पासिंग द पार्सल, लगता है बचपन में कुछ सीरियसली खेला होगा। जो तुम लोग जवानी में खेल लो, पासिंग द एग्जाम, तुम दोनों ने जिस औरत को मिलकर मार दिया जानते थे 4 महीने की प्रेगनेंट थी, या शायद पता भी होगा तो तुम लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा।
फिर अपने किसी दिल्ली के दोस्त से वो लेटर्स लिखकर पोस्ट करवाए। आखिर हम क्यों करेंगे इतना ड्रामा? क्योंकि ड्रामा करना तुम्हारी आदत है। घर से 3-3 बार भाग चुके हो तुम लोग। पहली बार ड्रामा किया माँ बाप को भापने के लिए, दूसरी बार राशिद और शबनम बन कर रहे, जब पकड़े गए वापस लाए गए तो तीसरी बार फुल एंड फाइनल ड्रामा, ताकि कोई तुमको ढूंढे ना। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई टेढ़े मेढ़े मर्डर करने वाले लोग नहीं है। हम कोई क्राइम शो के फैंस नहीं है, हम लव स्टोरी के फैंस है। क्या मारी गई औरत की भी कोई लव स्टोरी थी? और अगर थी तो वो लवली और स्वीट तो कतई नहीं थी। और उस औरत का खान परिवार, पटेल परिवार, मानसी और फैज, इन सब से आखिर क्या ताल्लुक? फैज और मानसी को सेफ हाउस दिया गया है, ये एड्रेस है। करना क्या मैडम? इन दोनों पर, साहिल खान, मुमताज खान और सविता पटेल, इन सब पर नजर रखनी है। वो धनिया पत्ता लेने भी निकले ना तो कितना लिया इसका डिटेल भी चाहिए मुझे। मिल जाएगा मैडम। वैसे गुस्सा की माफ हो, अब ये केस आप लोगों का नहीं बनता ना। लेकिन एक जिम्मेदारी तो बनती है ना हितेन, किसी ने हमारे साथ खेल खेला ये चिट्ठियां भेजकर, और ये लेटर राइटर अगर हमारे संदिग्धों में हुआ तो ये केस अब भी हमारा है। हमने सरवीन पारिक की हिस्ट्री निकाली, क्राइम की रात की मोमेंट भी ट्रैक की। ये वाकई में अपनी बेटी के घर गया था अपनी नाती के जन्मदिन पर। और सर, हमने इसके और आपके सस्पेक्ट रामजी पटेल दोनों की दोस्ती को भी खंगाला, लेकिन कुछ नहीं निकला सर। और उसकी कार में से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो मर्डर की तरफ इशारा करे। तो रामजी पटेल के दोस्त अरविंद पारेख का उस दिन उन्हीं जंगलों के आसपास देखा जाना महज इत्तेफाक समझे? हाँ, अगर लाश मानसी की होती तो जिस लाश को तुम लोगों ने मानसी समझा, हमने मानसी समझा, मानसी के माँ बाप ने भी मानसी समझा, वो लाश किसकी थी? जब हमें वो लाश मिली तो हमारे पास दो मिसिंग कंप्लेन थी। एक 4 महीने पहले की मानसी पटेल मिसिंग केस, जिसे आप लोगों ने करेक्ट किया पर हमें बताना जरूर नहीं समझा, और दूसरा गांधीनगर की एक शादीशुदा औरत का, रुचिका मकवाना नाम था उसका। तब जब हमने वो लाश खोली उसके 2 दिन पहले गांधीनगर में उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। किसी पर शक? जी, उसका पति मोहित मकवाना। रुचिका को डिवोर्स चाहिए था और उसका पति मना कर रहा था, दोनों के बीच में मारपीट भी हुई थी, उसने रुचिका को जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। ये मोहित करता क्या था? आर्किटेक्ट है। फोन नंबर और पता? जी? मोहित मकवाना, रुचिका मकवाना आपकी बीवी है? हाँ है। क्या हुआ रुचिका को? ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या किया रुचिका के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, सारा दिन साइट पर था, थककर सोया था। रात के 1:15 बजे आपकी बीवी घर से गायब है और आप आराम से सो रहे थे? उस दिन से मोहित मकवाना कजौली गांधीनगर की कस्टडी में है। तो लाश की डिटेल सबसे पहले तुम लोगों ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन भेजी? जी हाँ, पर वहां से नेगेटिव जवाब आया। क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला घोटने की वजह से हुई और उसके बाद बॉडी को जलाया गया। औरत 4 महीने पेट से थी। तो ये आपकी बेटी रुचिका नहीं है? हमारी रुचिका प्रेग्नेंट नहीं है सर। सर, अभी शादी को 1 ही साल हुआ है। धीरज जी, रुचिका और मोहित के झगड़ों की वजह क्या थी? ठीक, रुचिका ने हमें कभी बताया नहीं। बीना जी, आपको? वो सब अपने अंदर ही रखती थी। वैसे रुचिका की बाकी की सारी डिटेल्स मैच हुई, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, लेकिन रुचिका प्रेग्नेंट नहीं थी। ये जानने के बाद हमने उसे रूल आउट किया और आपकी मानसी की फाइल खोली। सर, लड़की 4 महीने पहले लड़के के साथ भागी, उसके 4 महीने के प्रेग्नेंट होने की संभावना भी थी और बाकी सारी डिटेल्स भी मैच हो रही थी। तो हो सकता है वो लाश किसी तीसरी औरत की हो, हालांकि हमने उसके डीएनए संभाल के रखे हैं, पर मैच किससे करेंगे? हो सकता है सर लाश को किसी और जगह से लाया गया और उसे जलाकर प्रांतिज में फेंक दिया हो। गरीब औरत होगी, आगे पीछे कोई नहीं। हमारे संदिग्धों में से किसी ने मारा हमें गुमराह करने के लिए। ये जली हुई लाश फैज और मानसी के केस से कनेक्टेड तो बिल्कुल है, भले इस वक्त हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर वो लेटर्स उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो पक्का किसी साजिश का हिस्सा। नितिन भाई। जी भाई, राजू भी साथ में ही है। अब बोल बल्लू, क्या खबर? गर्मा गर्म चाय। कहाँ जा रहे हो तुम?
वो चेतन से बात हुई थी, उसे कहा था घर आ जाऊंगा, बस वहीं जा रहा था, देखो क्या हाल है अभी। लेकिन चाय तो पीते जाना। हाँ रख दो, वापस आता हूँ तो गर्म करके पी लूंगा। हेलो हेतल, मानसी। हाँ हाँ सब ठीक है। सुनो ना, वो फैज गराज आने वाला था क्या? नहीं नहीं मतलब आने वाला था, नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। मैं रखती हूँ। हाँ और 4 महीने प्रेग्नेंट थी तो किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ तो रजिस्टर्ड रही होगी। हाँ सर, गरीब से गरीब औरत होगी तो भी किसी सरकारी अस्पताल में रजिस्टर्ड तो होगी ही। यहीं से शुरू करो, हमारे गुजरात के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब जगह खंगालो, पता करो कि 3 जून को गायब हुई वो 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत कौन थी, बाकी पैरामीटर्स हैं हमारे पास मैच करने के लिए। जी सर, पूरे स्टेट में सैकड़ों सरकारी अस्पताल हैं जहाँ लाखों यंग औरतें 4 महीने प्रेग्नेंट रही होंगी, तो माना का दायरा काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और क्लिनिक्स हैं सब जगह खंगालो, सब जगह पता करो। जी सर, हितेन का फोन था, उसके खबरी बल्लू और राजू रामजी पटेल और नईम खान को फॉलो कर रहे थे। रामजी पटेल और नईम खान के बीच में एक मीटिंग हुई। दोनों को मिलकर अभी तोड़ते हैं, हो सकता है दोनों ने मिलकर उस औरत को मार डालो। तोड़ेंगे परेश, पर अभी नहीं, अब नहीं। हितेन और उसके खबरियों से कहो कि नजर बनाए रखें, पता करें कौन कौन किस किस से मिलता है। ठीक है। रामजी पटेल और नईम खान क्यों मिले, गराज के बहाने फैज आखिर कहां गया था, इन सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। और दूसरी तरफ मेटर्निटी क्लिनिक्स के विशाल समंदर को खंगालने के बाद पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाली सच्चाई लगने वाली थी जो इस केस को सर के बल उलट कर रख दिया। जी, ये रुचिका मखमाने मेरी पेशेंट ही थी। कौन सा ट्राइमेस्टर था इसका? दूसरा स्टार्ट हुआ था और मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट इसके साथ 11 मई को हुआ था। रुचिका सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बच्चे की ग्रोथ भी एकदम परफेक्ट है, बस मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स लिख देती हूँ, उन्हें तुम टाइम पे लेती रहना, बाकी तो सब नॉर्मल है। डॉक्टर, अगली सोनोग्राफी की डेट क्या है? रुचिका नेक्स्ट मंथ 3 जून को तुम्हारे 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो वो डेट ठीक रहेगी तुम्हारे लिए? जी थैंक यू। फिर 3 जून को तो वो आई ही नहीं। हमें उसकी बॉडी 3 जून को ही मिली, तो अगर ये लाश रुचिका की थी तो उसका मर्डर 3 जून को ही हो गया होगा। रुचिका ने कभी आपसे कोई ऐसी बात कही कि उसकी फैमिली बच्चे से खुश नहीं थी? नहीं, मुझसे तो उसने कभी भी ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की थी, खुश लगती थी हमेशा, एकदम नॉर्मल। धीरज जी, हमने लाश के अंश संभाल के रखे, हमें आपके और बीना जी के डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि रुचिका प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे बताया तो नहीं। शायद 4 महीने पूरे होने के बाद बताने वाली थी। नहीं, वो अपने पति से बच्चा चाहती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उससे मुझसे डिवोर्स चाहिए था। तुम्हारी शादी तो 1 साल पहले हुई थी। एग्जैक्टली, मैं उसे यही कह रहा था सर, हमारे बीच एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थे, मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उससे कह रहा था कि मुझे वक्त दो, वक्त दो। वक्त देने के लिए तुम्हारे पास वक्त है मोहित? रुचिका, हम इसके बारे में कल बात कर सकते हैं, मेरी कल की डेडलाइन है। तुम्हारी डेडलाइन कब नहीं होती है? कल संडे है, हम हनीमून बीच में छोड़ के आए तुम्हारी इस डेडलाइन के लिए। रुचिका, आई प्रॉमिस अगले वीकेंड ऑफ लूंगा। ओह, मतलब अगले हफ्ते 1 घंटा ऑफ लोगे सेक्स के लिए, है ना? तुम मुंह मत खुलवाओ, ओके? सेक्स में तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे होगा, मशीन हूं क्या? कोई रोमांस नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, शॉपिंग नहीं, मूवी नहीं, डिनर नहीं, हम एक टीवी शो तक साथ में बैठकर नहीं देखते, बातचीत तक नहीं होती हमारे बीच में, तो फिर कैसे हो?
हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? किसके फायदे के लिए? पूरी दुनिया को हमारे मैरिड लाइफ का फ्री अपडेट देने के लिए? मैरिड लाइफ वो क्या होता है? मैरिड लाइफ माय फर्स्ट। जस्ट शट अप ओके। कब से फालतू की बातें किए जा रही हो? बदतमीज। हर दूसरे दिन हमारे बीच ऐसे झगड़े होते हैं। पूरे मोहल्ले को सुनाई देते। और रही बात उसकी प्रेगनेंसी की, ये नामुमकिन है। मिस्टेक हुई आप लोगों से सर। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि उसे मुझसे बच्चा नहीं, डिवोर्स चाहिए था। रुचिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी। रुचिका देखो, मैं सोच रहा था कि हमारे बीच इतना टेंशन है, अगर हम बच्चा करें तो शायद चीजें बेहतर हो। मोहित, मैं तुमसे कहने वाली थी मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। ऐसे नहीं रह सकती मतलब? मैं कि तुम्हें टॉर्चर करता हूँ कि तुम ये ड्रामा कर रही हो? तुम्हें पूरी जिंदगी ना यही रहना होगा मेरे साथ, इसी रिश्ते में। जिंदगी भर, छह महीने में अगर तुमसे डिवोर्स नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी रुचिका नहीं। पिछले छह महीने से वो अलग सोती थी। हमारे बीच सेक्स नहीं, सिर्फ सन्नाटा था, ढेर सारा गुस्सा था। तो बच्चा कहाँ से होता सर? हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल लेना होगा, फिर टेस्ट करना से मैच करना होगा। हाँ तो कर लीजिए सर, बिल्कुल कर लीजिए। रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा। वो लाश रुचिका की नहीं है और वो बच्चा मेरा नहीं हो सकता। रुबीना, तुम मोहित को डीएनए के लिए ले जाओ और रिपोर्ट ओनी को भेज देना। अगर माँ बाप का डीएनए लाश के अंश के साथ मैच होता है और मोहित का डीएनए फीटेस के डीएनए से मैच होता है, तो मतलब मोहित झूठ बोल रहा है। तोड़ेंगे उसे, बुलवाएंगे। और अगर मोहित का डीएनए फीटेस के डीएनए के साथ मैच नहीं होता, तो फिर इसका एक ही मतलब, रुचिका का किसी के साथ अफेयर था। और इसीलिए शायद वो इतने अर्जेंटली मोहित से डिवोर्स मांग रही थी। तो क्या रुचिका प्रेमी का बच्चा रखना चाह रही थी? उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और प्रेमी छुटकारा पाना चाह रहा था। तो अब रुचिका के प्रेमी को ढूंढना होगा। सर, अगर मोहित सच बोल रहा है तो ये प्रेमी खूनी हो सकता है। गैराज में सब कैसे चल रहा है? बढ़िया। हेतल चेतन कैसे है? मुझे मिस कर रहे थे, तुम्हें भी हाय बोला। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेता। फोन पे फोन किए जा रही थी मैं। कहाँ गए थे आप? दुकान पर भी नहीं थे। एक जरूरी काम था। नहीं, कुछ छुपा रहे हैं आप। आपने मुझे बताया नहीं कि आपने मानसी को धमकी दी थी कि आप फैज को फंसाएंगे? सर, रुचिका के माँ बाप धीरज और बीना चावड़ा के डीएनए लाश के डीएनए से मैच हो गया। रुचिका मकवाना की ही लाश है। मोहित का डीएनए? फीटस से उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। तो मतलब रुचिका के पेट में जो बच्चा था वो उसके पति मोहित से नहीं था? शायद रुचिका का जिसके साथ अफेयर था और जो उस बच्चे का बाप था, उसने रुचिका को मार दिया। रुचिका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? ऑल क्लियर। हमारे स्टार खबरी हितेन और उसकी टीम को कहो मुझे आके मिले, मैं बात करूंगा। तुम कहीं जा रहे हो? सर आज क्यों ऐसे? साहब, अहमदाबाद और गांधीनगर में रुचिका के बॉयफ्रेंड ढूंढने से अच्छा होगा कि रुचिका के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाए। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पर आपके सारे केसेस फोन रिकॉर्ड से सॉल्व होंगे। अब तो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। जरा सोचो, जब ये मोबाइल फोन नहीं थे तब केसेस कैसे सॉल्व होते थे? सूंघ कर मैदान में कूद कर कूद जाओ मैदान में। खबरी हितेन और उसकी टीम मैदान में उतरी, पर मैदान पूरी तरह से खाली मिला। रुचिका के अफेयर का कोई नामो निशान नहीं था।
दूसरी तरफ फैज के बर्ताव से मानसी बेहद परेशान थी। फैज उससे क्या छुपा रहा? फिर पुलिस को आखिरकार एक सुराग मिला, वो भी इत्तफाक से। साहब आपने बोला था कि सूंघ के निकालो, तो फिर बस उसी फिराक में परसों रात को मैं घर से बाहर निकला, जय कृष्ण कॉलोनी में चक्कर लगा रहा था और फिर सूंघने की कोशिश कर रहा था साहब, तब एक अलग ही पिक्चर देखने को मिली मुझे। पिक्चर? हाँ साहब, एकदम ड्रामे वाली, वो रुचिका और मोहित के बिल्कुल बगल वाले घर से। जब से रुचिका के मर्डर की खबर आई है तुमने तो अपना डिवोर्स का जाप ही करना बंद कर दिया। क्या हुआ, डर गए डिवोर्स मांगने वालों का हाल देखकर? देखो शगुन, मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ये बताओ कि डाइवोर्स कब दे रही हो तुम मुझे? पहले तो मैं तुम पर दहेज और घरेलू हिंसा का केस थोपूंगी, उसके बाद उसे जीतूंगी, तुम्हें कुछ सालों की सजा होगी, तब तक हमारे अरुष की शादी भी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, समझे? दफा हो जा मनुष औरत। मनुष होगा तू, तेरी माँ, समझा? हट। शगुन। मजा आ रहा है ना तमाशा देखने का? जी नहीं, वो कुछ काम से मोहित साहब से मिलने आया था, पता चला वो। हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ सामने ही रहता हूँ। कितनी रातों से मैं चैन से सोया भी नहीं। इनके झगड़े की वजह से? 12 नंबर की रुचिका मोहित से डाइवोर्स लेने के लिए गला फाड़ती, और ये नीलेश अपनी पत्नी शगुन से डाइवोर्स लेने के लिए चीजें तोड़ता रहता है। रुचिका का तो फिर भी ठीक है, एक साल की शादी है, कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है, लेकिन ये नीलेश, उसका तो 7 साल का बच्चा है, फिर भी डाइवोर्स क्यों भाई? और अब तो रुचिका का मर्डर भी हो गया। साहब मुझे तो बस बू आ रही है, वो रुचिका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला नहीं मैडम ने बताया मुझे, लेकिन हो सकता है कि रुचिका को कभी कॉल करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। ये भी हो सकता है कि रुचिका का वो आशिक उसके बगल वाले घर में रहता हो, नीलेश बारोट। इस अफेयर का कोई सबूत? आप बिना सबूत का तो मैं खड़ा नहीं हो पाता। इसे देखा है कभी यार? पुलिस से हूँ। ये नीलेश का फोटो और ये नीलेश का नंबर। सब कॉल रिकॉर्ड भले ही साफ हो, लेकिन लोकेशन रिपोर्ट से बहुत कुछ हाथ आ सकता है। सर ये अपना किलर हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता इसने ये अकेले ने किया। चेतन, फैज आया था क्या गराज? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी, वो उसका फोन नहीं लग रहा था। मैं बाद में बात करती हूँ। तुम गराज नहीं गए थे? तुम्हें कैसे पता? तुम मेरा पीछा कर रही थी, उस पर शक कर रही हो? झूठ बोलने वालों पर शक ही किया जाता है फैज। देखो मुझे सच सच बताओ, उस औरत की मर्डर में तुम्हारा हाथ है क्या, या फिर तुम्हारी अम्मी अबू का? क्या बकवास कर रही हो? अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो, इस औरत की मर्डर में तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का हाथ है? फैज झूठ तुम बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम अभी के अभी मुझे सच सच नहीं बताया ना, तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं जहाँ जाना है जाऊँ। नीलेश बारोट ऑफिस में है? जी, सुबह से कहीं गए नहीं। मानसी, मानसी, सच में पुलिस के पास तो नहीं चली?
देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। एक तो आप ये केस सॉल्व कर नहीं पा रहे और ऊपर से मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा मैं, मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे इस लॉकअप में अक्सर मुजरिम उगलते हैं और हम सुनते हैं। आज कुछ अलग करते हैं, आज हम बोलेंगे और तू सुनेगा। तुम और रुचिका पड़ोसी थी, पड़ोसी से फिर दोस्त बने, दोस्त से फिर प्रेमी और प्रेमिका, और फिर तुम दोनों में अफेयर शुरू। ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा करीब आने में, सब ठीक चल रहा था, पर फिर रुचिका प्रेग्नेंट हो गई। शादी करना चाहती होगी तुमसे, पर तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर केस करने की बात कर रही थी। तुम दोनों तरफ से फंस चुके थे और वक्त निकला जा रहा था। निलेश, आज 4 महीने पूरे हुए हैं, कल सोनोग्राफी है 6 बजे। मैं मोहित को सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। लेकिन रुचिका, उससे शगुन को भी तो सब कुछ पता चल जाएगा ना। उसने खुलेआम धमकी दी है, बोलती है केस ठोक दूंगी। और निलेश, मैं अब और इंतजार करना नहीं चाहती। मैं सबको जल्द से जल्द बता देना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे कुछ दिनों में लोगों को दिखने ही लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्राणतीज में कुल मंदिर है, वहां चल करके शादी कर लेंगे कल। कल? लेकिन तुम्हारी बीवी, वो केस? अरे वो सब छोड़ो ना, एक बार हम लोग शादी कर लेंगे तो मोहित और शगुन को सब कुछ सच सच बता देंगे। अरे बोल देंगे प्यार करते हैं यार, यू हैप्पी नाउ। तुम इस दबाव से तंग आ चुके थे, इस रिश्ते की मुसीबत से छुटकारा चाहते थे। हाँ क्यों रुके, कुल मंदिर तो आगे है ना। अरे वो पंडित जी का परिवार है पास में, तो 10 मिनट मिल लेते हैं उनसे और फिर मंदिर भी पास में, पैदल पैदल निकल जाएंगे। ठीक है चलो। इस मर्डर में तुम्हारा कोई साथीदार भी होगा जो तुम्हारे प्लान के मुताबिक पहले से वहां मौजूद था। बोल, कौन था तुम्हारा साथीदार? बोल। अबे बोल दे, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देंगे तेरी, समझ में आया? और तुम्हें लगता है कि फैज का कोई हाथ हो सकता है इसमें? वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, मुझसे कुछ छुपा क्यों रहा है? और कौन शामिल था तुम्हारे इस प्लान में? ये काम तुम्हारे अकेले का तो नहीं लगता। तुमने और तुम्हारे साथी ने पहले रुचिका का कत्ल किया और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा। रुचिका को मानसी समझने की प्रांतीय पुलिस और हमारी गलती का तुमने फायदा उठाने की सोची। तुमने मानसी और फैज के केस को बड़ी बारीकी से स्टडी की और फिर वो चिट्ठियां लिखी। कोई साथीदार था या ये सब अकेले ने किया? आपके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, एक भी नहीं। तुमने फैज की किसी और से बात होते हुए सुनी? कोई मिलने आया था उससे? ये भैया बस यहीं रोक दीजिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं जानती, लेकिन वो जरूर मुझसे झूठ बोल रहा है। वो कुछ जानता है जो मुझसे छिपा रहा है। सबूत की टेंशन मत लो बेटा, एक नहीं दो दो हैं। तुम लोगों ने प्लानिंग तो बहुत तगड़ी की थी। रुचिका और तुम मोबाइल पर कभी बात ही नहीं करते थे, और रुचिका जब भी तुमसे मिलने ऑफिस आती थी तो अपना फोन स्विच ऑफ करके घर पर ही छोड़ कर आते थे, है ना? पर 3 जून को तुमसे गलती हो गई। 3 जून को तुमने अपना फोन अपने साथ ही रखा और वो भी ऑन। शायद तुमने अपने साथी से कोऑर्डिनेट करने के लिए रखा होगा।
ये देख, इन फोन लोकेशन के हिसाब से मर्डर वाली रात तेरे फोन की लोकेशन ठीक उसी जगह थी जहां पर रुचिका की लाश मिली। हमने रुचिका के पेट के फिटस का डीएनए संभाल के रखा है, वो सैंपल अब तुम्हारे डीएनए से मैच होगा। तू भी जानता है रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो तेरा बच्चा। निलेश बरोट, अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए तुमने बेरहमी की नई मिसाइल काम कर दी और साथ ही दो परेशान परिवारों को जहन्नम के दर्शन करवा दिए। इतना ही नहीं, फैज के नाम का झूठा सुसाइड नोट लिखकर फॉल्स एविडेंस प्लांट करके हमें गुमराह करने की कोशिश की। बहुत घुमा लिया तुमने, अब बोल, वरना अच्छे खासे लोगों को गायब करके उनकी लाशों को ठिकाने लगाना हमें भी आता। बोल, मेरा साथीदार कौन था? मानसी, प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मैम एक मिनट। बॉल कौन था जोड़ीदार? बॉल कौन था जोड़ीदार? बॉल। मानसी, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं गैराज नहीं गया था। बताता बोल। मेरा भाई कुंदन और वो लेटर भी उसने पोस्ट किए थे। फैज, तुम आखिर गए कहाँ थे? मैं अपने घर गया था अपनी अम्मी से मिलने। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी मानसी, लेकिन इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। तुम्हें नहीं आती अपने मम्मी पापा की याद? मैंने उसे धमकी दी थी क्योंकि मैं उसका भला चाहता हूँ, बाप हूँ मैं उसका। लेकिन मानसी हमसे नफरत करती है। अब नहीं करेगी। मैं नईम खान से मिलने गया था। क्या? हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? नहीं, जो होना था सो हो गया, बच्चों ने शादी भी कर ली, अब हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस सब में पुलिस भी हमें सुपारी देने वाला समझ रही है। जो मैं तो हूँ नहीं, आपके बारे में मुझे पता नहीं। मैं भी नहीं, मैं तो बस अपनी बच्ची का भला चाहता हूँ, जो आप भी चाहते हैं फैज के लिए, है ना? ठीक कह रहा रामजी भाई, इस बात पे मिट्टी डालते हैं, इन दोनों बच्चों की मर्जी कबूल कर लेते हैं। फैज, अगर इतनी सी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलने नहीं दूंगी? नहीं मानसी, ऐसी बात नहीं है। तुम अपने घर वाले से मिलने नहीं चाहती थी और मैं नहीं चाहता था कि मुझे मेरे घर जाते देख तुम्हें बुरा लगे, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है मानसी। लेकिन हमारे माँ बाप भी तो, जो भी हुआ अपनी जगह तो वो ठीक ही थे। बगावत हमने की, हमारा भाग कर शादी करना सिर्फ उतना ही नहीं रह गया, एक मर्डर केस भी जुड़ गया। इतने परेशान हो गया मानसी, मुझे लगता है तुम्हें भी अपने मम्मी पापा से मिल लेना चाहिए। एटलीस्ट हम ट्राई करके तो देखें। माफी मांग लो, माँ बाप है, मान ही जाएंगे। निलेश बारोट और उसके छोटे भाई कुंदन पर धारा 302 के तहत डबल मर्डर के चार्जेस लगे हैं, रुचिका के और उसके पेट में पल रहे बच्चे के मर्डर के जुर्म में। साथ ही धारा 120 के तहत सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के चार्जेस भी लगाए गए हैं। मोहित मकवाना को जुडिशियल कस्टडी से रिहा कर दिया गया है और उसके खिलाफ सारे चार्जेस खारिज कर दिए गए हैं। रुचिका के पेरेंट्स को उसके अफेयर और उसके मर्डर की हकीकत को मानने में काफी समय लगेगा। फैज और मानसी ने हिम्मत नगर में ही रहने का फैसला कर लिया है। फैज अपने गैराज लौटा है और मानसी ग्रेजुएशन के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही है। उन दोनों के परिवारों ने उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया है। अभी तक किसी भी बिरादरी के ठेकेदारों ने कोई खास आपत्ति नहीं जताई। क्रिमिनल्स जितने शातिर और चालाक होते हैं उतने ही इलॉजिकल भी होते हैं, और ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां जुर्म करने के बाद और उसे छुपाने के चक्कर में वो खुद अपनी कब्र भी खोद देते हैं। इस केस ने एक बार फिर से साबित किया कि जुर्म कभी सफल नहीं होता, बस सिर्फ देर होती है उसे गलती की रोशनी में आने की, जिसे मुजरिम कर ही बैठता है। बहरहाल इस केस में इन्वेस्टिगेशन के हाथों कुछ गलतियां और लापरवाहियां होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने इस केस को हल किया वो काबिले तारीफ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं,
फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के बाद। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।